आज के कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर कृष्णा स्वामी जी, जनता दल यू राष्ट्रीय महासचिव श्री अखिलेश कटियार जी, तमिलनाडु के दूर दूर से आए तमाम साथीगण, कुमार राजा, डॉक्टर श्याम, विजय रघुनाथ, शंकर गुरु, वेंकट प्रभु, के जी दंडपानी, चंडको पीएम एस चुटा स्वामी, एस राजा तथा दूर दूर से आए तमाम साथीगण, आप सभी का मैं सत्येंद्र कुमार हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, तमिलनाडु का इतिहास देखें तो हम सब के पूर्वज चोल, चेर, पंडो, पालो राज्य हुआ करते थे। ये सारे राज्य कुर्मियों के राज्य थे, तो कुर्मी कुडुम्बर के वंशज अछूत कैसे हो सकते हैं, अनटचेबल कैसे हो सकते हैं? एक साजिश के तहत आजादी के पहले हम लोगों को एससी कैटेगरी में डाल दिया गया ताकि हमारा मानसिक रूप से शोषण हो और हम मन से नीचे गिर जाए। और जो तमिलनाडु के राजा रहे, जो पूरी तमिलनाडु जिनके अधीन रही, उनका अधिकार सिर्फ तमिलनाडु नहीं, आधा भारत और तमिलनाडु के बाहर भी मलेशिया, सिंगापुर और दुनिया के तमाम कई देशों में जो लोग शासक रहे, जो राजा रहे, उनके मनोबल को तोड़ने के लिए एक साजिश के तहत हम लोग को एसी कैटेगरी में डाल दिया गया। मैं इस मंच से आह्वान करना चाहता हूँ कि आप सब लोग माननीय श्री अखिलेश कटियार जी का, हार्दिक पटेल जी का, नीतीश कुमार जी से बात करें। और डॉक्टर कृष्णा स्वामी जी तमिलनाडु में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में आपकी मांगे पूरी होंगी और हम निश्चित रूप से एसी कैटेगरी से हट करके एमबीसी कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी में आ जाएंगे। ये हमें ठीक नहीं है, हमारा अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। साथियों, हम भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तमिलनाडु में हम कुडुम्बर के नाम से जाने जाते हैं, आंध्र प्रदेश में टापू के नाम से जाने जाते हैं, गुजरात में हम पाटीदार के नाम से जाने जाते हैं, राजस्थान, हरियाणा में हम गुजर के नाम से जाने जाते हैं, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में हम कुर्मी के नाम से जाने जाते हैं। इस देश में कुर्मियों की आबादी, पाटीदारों की आबादी, पटेलों की आबादी, जो एक भाई है, उनकी आबादी 27 करोड़ है और इस मोदी जी को जो प्रधानमंत्री बने हैं उनको सिर्फ 8 करोड़ वोट मिले हैं। अगर इस देश का कुडुम्बर जिस दिन अपनी जाति के लोगों को वोट करेगा तो वो देश का प्रधानमंत्री कुडुम्बर होगा। तमिलनाडु जो काफी पीछे रह गया, वहां पर विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। विकास का काम कैसे होगा? जब तक तमिलनाडु के लोग शासक नहीं बनेंगे, तमिलनाडु के लोग मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे कुडुम्बर लोग, तब तक तमिलनाडु का विकास नहीं हो सकता है। आप सब लोग आगे बढ़े, आप शासक के बच्चे हैं, आप राजा के बच्चे हैं, पूरे तमिलनाडु पे जमीनों पे पूरे मालिकाना हक है आप लोग का। आप आगे बढ़े और निश्चित रूप से जल्दी आने वाले समय में डॉक्टर कृष्णा स्वामी जी, अखिलेश कटियार जी कुछ योजनाएं बनाएंगे और आप लोगों को सही दिशा देंगे, जिससे आगे आने वाले समय में कुडुम्बर लोग तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और तमाम अच्छे पदों पे MLA MP बन सके। आप सब इतनी दूर से आए, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और आपका जो त्याग और बलिदान है ये व्यर्थ नहीं जाएगा, निश्चित रूप से हम खोए हुए मान सम्मान को प्राप्त कर लेंगे। आज आप सबके माध्यम से मैं एक बार पुनः तमिलनाडु के त्यागकर्ता इमानुएल से करनार जी को और सुंदर लिंगम राजू जी को याद करता हूँ। उनका त्याग बेकार नहीं जाएगा, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए, कुडुम्बर स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए अपनी जान दे दी, इससे ज्यादा और बलिदान क्या हो सकता है। तो मैं पुनः उस धरती को, पुण्य धरती को, तमिलनाडु जो भारत का सबसे खूबसूरत प्रदेश है, सबसे सुंदर राज्य है, वहां से आए हुए सब लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय कुडुम्बर, जय कुडुम्बर, जय कुडुम्बर, वल्ल कुडुम्बर, वल्ल कुडुम्बर, वनक्यम नंदी।